एक तरफ जहां बीजेपी खेमा ढोल नगाड़ों की आवाज से गुलजार हो रखा है, तो वहीं कांग्रेस के दफ्तरों में मायूसी छा रखी है। भले ही गुजरात हिमाचल के चुनावी मतगणना जारी है, लेकिन रुझानों ने दोनों ही राज्यों में बीजेपी को जीत दिला दी है। हिमाचल में जहां कमल खिल चुका है, तो वहीं गुजरात एक बार फिर भगवा होता नजर आ रहा है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर तमाम सियासी राजनेताओं का बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोदी की जीत पर उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बधाई दी, बल्कि कांग्रेस की करारी हार पर चुटकी भी ली। कांग्रेस की हार पर चुटकी लेते हुए योगी ने कहा कि राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए शुभ था। मैंने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व बदलना बीजेपी के लिए शुभ संकेत ही होगा। वैसे योगी यही नहीं रुके, कांग्रेस पर तीखे बाण छोड़ते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस की बांटने वाली राजनीति को लोगों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। गुजरात हिमाचल की जीत के साथ अब 19 राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, तो वहीं कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अब ये तो पता नहीं कि राहुल का पार्टी अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए कितना शुभ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जीतने वाले को ही सिकंदर कहते हैं, और इस बार के चुनावी खेल का असली सिकंदर कौन है ये आप भी भलीभांति जानते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।